हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और सब बहुत चर्चित टॉपिक है, जिसे कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। तो चलिए हम इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये दोनों टर्म्स और रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन दोनों टर्म्स के संबंध में। पहला टर्म जो है उसे कहते हैं जॉब एनलार्जमेंट। दो टर्म, दो वर्ड्स हैं इसमें, एक है जॉब और दूसरा एनलार्जमेंट। जॉब मतलब, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में समझाया है, अलग अलग कार्य यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज कंबाइन करके बनता है एक जॉब, ठीक है। और एनलार्जमेंट, जैसे कि नाम में ही बता रहा है, एनलार्ज करना मतलब बड़ा करना, मतलब काम को बढ़ाना। इसका मतलब सिंपली, इस सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है काम को विस्तार देना, ज्यादा काम करना, ठीक है। ये होता है जॉब एनलार्जमेंट। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या अहमियत है, ये हम एक एक करके अलग अलग पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला कारण है इसकी अहमियत का या इसका इंपॉर्टेंस, पहला ये है कि ये अपने जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उसका उसके मोटिवेशन लेवल को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एनलार्जमेंट, जैसे मैंने बताया कि एनलार्जमेंट मतलब काम को फैलाना। अगर कोई, जैसे उदाहरण के तौर पर एक टीचर को पकड़ लीजिए, एक टीचर है वो जो है प्राइमरी स्कूल में जो है एक क्लास को पढ़ाता है, तो उसका जॉब अगर एनलार्ज हो गया तो वो एक के साथ साथ दूसरा क्लास को भी पढ़ाएगा, तीसरा क्लास को भी पढ़ाएगा। तो इसको हो गया एनलार्ज, हो गया मतलब पहले सिर्फ एक ही क्लास को देखता था, अब दूसरा क्लास को भी देखेगा या तीसरा को भी देखेगा, ये हो गया एनलार्जमेंट। तो ये इसका इम्पोर्टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि ये मोटिवेट करता है, क्योंकि अब जो है टीचर को ज्यादा काम के लिए जो है प्रोत्साहन मिलता है कि भाई उसे लगता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा और ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। तो ये टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इसी चीज को अगर हम एक नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक नर्स जो है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेट से पहले जो है 5 पेशेंट को देखने का, देखभाल करने का, उसके जो है मरहम पट्टी करने का, अगर 5 पेशेंट्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसका अगर जॉब एनलार्ज कर देते हैं तो 5 के बजाय अब जो है 10 या 15 पेशेंट्स को देखना पड़ेगा। काम वही रहेगा, मरहम पट्टी करना, इंजेक्शन लगाना वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, पर अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम, काम का क्वांटिटी जो है, जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है, ये जब भी कोई वर्कर या जो है एम्प्लॉय जो है उसको लार्ज कब किया जाता है, मतलब कि है उस पर जिम्मेदारी ज्यादा दी जाती है, यानी कि इसको एक प्री प्रमोशन ट्रेनिंग के तौर पर भी इसको देखा जाता है। प्री प्रमोशन ट्रेनिंग मतलब प्रमोशन मिलने से पहले, जो कि प्रमोशन के बाद जो जिम्मेदारियां होगी वो पहले ही दे दिया जाता है, ताकि एम्प्लॉय जो है धीरे धीरे उस काम से अकस्टम्ड हो जाए, आदी हो जाए उस काम का। तो इसको प्री प्रमोशन ट्रेनिंग के तौर पर भी देखा जाता है जॉब एनलार्जमेंट को। जो तीसरा जो है इसका इम्पोर्टेंस है वो है कि कई बार फैक्ट्रीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में, चाहे स्कूल में ही बात कर लो, जो है लेबर का शॉर्टेज हो जाता है। उस समय हर बार ये संभव नहीं है कि एडिशनल बाहर से जो है दिहाड़ी पे या भाड़े पे वर्कर्स बुला के काम कराया जाए। अगर काम बहुत ज़्यादा नहीं है तो एग्जिस्टिंग वर्कर्स से ही, उसी को, एग्जिस्टिंग जितने भी वर्कर्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कोई, पहले जैसे कि हमने बताया कि टीचर है, टीचर अगर कोई दो एक एक आध टीचर एबसेंट हो गया या नहीं आया या छोड़ के चला गया, तो तुरंत नया टीचर मिलेगा नहीं। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग टीचर का काम का लोड बढ़ा देना या काम की जो है क्वांटिटी को बढ़ा देना, उसको भी एनलार्जमेंट के थ्रू वो हो सकता है। जो चौथा जो है इम्पोर्टेंस है कि इस तरह एनलार्ज करने से क्या होता है, जो वर्कर्स हैं, चाहे वो अब नर्स हो या वो टीचर हो या कोई और फैक्ट्री का वर्कर हो, जो भी हो, उसको अलग अलग अपने स्किल्स को डेवलप करने की जो है उसको जो है प्रोत्साहन मिलता है। मान लो पहले एक क्लास देखता था, जैसे हमने टीचर का बताया, एक क्लास के स्टूडेंट्स को देखता था, अब 2 क्लास के स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा या 3 क्लास के स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा, यानी कि जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज या जो उसको जो है किस तरीके से क्लासेस को, जब वॉल्यूम बढ़ जाए, संख्या बढ़ जाए, तो कैसे हैंडल करें, इसके लिए उसके नए नए स्किल्स को जो है एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और पांचवा जो है कि पांचवा इसका जो इम्पोर्टेंस, क्यों जॉब एनलार्जमेंट अहम है, ये पता चलता है कि भाई उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है वर्कर का,
या चाहे वो अगर टीचर है तो टीचर का, या नर्स है तो नर्स का, उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो मैनेजमेंट ये समझती है कि ये एक जिम्मेदार इंसान है तो इसको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, और वर्कर को भी ये लगता है कि भाई मेरी जो है अब धीरे धीरे अहमियत बढ़ती है। तो इन पांच कारणों से जो है हम देखते हैं कि जॉब एनलार्जमेंट का इम्पोर्टेंस या अहमियत ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस समझने में कि जॉब एनलार्जमेंट होने से, काम का बढ़ावा विस्तार होने से क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा जो होता है वो वर्कर का ये होता है, या जो जो भी एम्प्लॉई है, अगर नर्स है तो नर्स है और टीचर है तो टीचर है, उनका स्किल में डेवलपमेंट होता है, और खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि क्वांटिटी अब बढ़ रहा है तो यानी कि उसको ज़्यादा एक्सपर्ट होने का मौका मिलेगा उसी काम में, हुनर को और ज़्यादा तेज होने में मौका मिलता है, तो स्किल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज हो जाता है। दूसरा जो है इसका एडवांटेज है वो, अब वर्कर को अलग अलग एक्टिविटीज करना पड़ेगा और थोड़े से भिन्नताएं आएंगी, थोड़ी सी डिफ जो है क्या बोले वैरायटी आ जाएगा आप काम में, क्योंकि पहले थोड़ा सा वर्कर से डील करते थे या थोड़ा काम करते थे, अब वही काम का क्वांटिटी जब ज्यादा हो जाता है तो जो है रेंज ऑफ वर्क जो एक्टिविटीज है उसकी जो विस्तार है वो बढ़ जाता है, तो ये भी एक जॉब एनलार्जमेंट का जो है एक फायदा हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि चूंकि अब वर्कर ज्यादा कामों में इन्वॉल्व हो गया है तो उसकी जो बोर्डम है, बोर्डम यानी कि जो बोर हो जाएगा, अगर पहले थोड़ा काम रहता था तो वो बोर हो जाता था, अब काम बढ़ जाने की वजह से उसके बोर होने के लिए उसके पास फुर्सती ही नहीं होगा, तो ये जो है एक जो है एनलार्जमेंट का एक फायदा हो जाता है। चौथा फायदा है कि वर्कर अब मोटिवेटेड फील करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मोटिवेटेड नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ाया तो वो मोटिवेट फील होता है, क्योंकि उसके पास अब अपने आप को बिजी रखने का जो है एक कारण मिल जाता है कि कैसे वो जो है पूरा दिन अपने आप को काम में फंसाए रखे और ताकि वो मैनेजमेंट की नजर में आ सके, तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है कि मेरे पास काम है तो यानी कि मेरा रोजगार सुरक्षित है। और इसका जो पांचवा जो है एडवांटेज होता है कि ज्यादा काम करने से वर्कर की एफिशिएंसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय, थोड़ी समय के बाद, क्योंकि वो अब ज्यादा काम कर रहा है तो वो एक्सपर्ट बनता जाता है, उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है वो बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि अब वो ज्यादा काम कर रहा है तो अब उसके पास एक कारण है जिसके वजह से वो बोल सकता है मैनेजमेंट को कि मेरी पगार या मेरी सैलरी थोड़ी सी राइज किया जाए, बढ़ाया जाए, क्यों, क्योंकि मैं अब ज्यादा काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया। और जो छठा जो एक एडवांटेज ये भी होता है कि वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है, ये वर्कर भी समझता है, ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को समझता है, और इसीलिए यह भी एक कारण है कि अनेकों बार मैनेजमेंट भी इस बात को मानता है और वर्कर भी इस बात को जो है बड़ी स्ट्रांगली रखता है कि भाई उसकी कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो ये तो हो गए जो है अलग अलग एडवांटेजेस, मतलब फायदे। अब हम कुछ एनलार्जमेंट के कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं कि भाई अगर जॉब काम अगर विस्तार दे दिया जाए, बिकॉज किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद, क्योंकि हम इंसान हैं, हर इंसान की एक लिमिट होती है, तो अगर हम अगर ज्यादा काम करते जाएंगे तो एक तो लेवल आएगा जिसके बाद अगर क्वांटिटी बढ़ गया तो क्वालिटी गिर जाएगा, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, यानी कि वर्कर की क्वांटिटी बढ़ाया जाए, जैसे कि एक टीचर को एक क्लास के बजाय अब दो, दो के बजाय तीन, तीन के बजाय चार क्लासेस को बोले मैनेज करो, तो उसकी जाहिर सी बात है वो उतना संभाल ना पाए और उसकी क्वालिटी या एफिशिएंसी कम होती जाए, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है जॉब एनलार्जमेंट का वो है जॉब एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर को बे मतलब का फायदा उठाना जिसको कहते हैं, और ये आजकल एक जो है कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे, खास तौर पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन जिसको बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा निचोड़ना वर्कर को, बहुत ज्यादा काम देना, कम पैसे देना, ये जो है एक्सप्लॉयट करते हैं वर्कर्स का, और इसका उसका नाजायज फायदा उठाना जिसको बोलते हैं वर्कर की मजबूरी का, बाई गिविंग देम मोर वर्क, एक्स्ट्रा काम दे के, तो ये एक्सप्लॉयटेशन एक कारण होता है उसके डिसएडवांटेज का जॉब एनलार्जमेंट के। तीसरा होता है ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको एडिशनल काम करना पड़ता है, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा तो उस पर और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, तो उस पर इंडिविजुअल वर्कर पर जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कई बार बढ़ते हुए पाया गया है। और चौथा जो एक डिसएडवांटेज जो होता है कि कभी कभी क्या होता है वर्क इतना ज्यादा हो जाता है वर्कर पर कि
कि भाई वो मैनेज के बाहर हो जाता है वर्कर के, और तब जो है वर्कर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है हो जाता है कि भाई वो काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है, या काम में गलतियां हो रही हैं, या जो है ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये जो काम का लोड, जिसको वर्क बर्डन, एट टाइम्स जो है बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल या अनमैनेजेबल हो जाता है। तो ये थे दोस्तों अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग जो जॉब एनलार्जमेंट को समझने के लिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जिसे कहते हैं जॉब एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट का पहले हम मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है, रिचमेंट मतलब काम को रिच बनाना, मतलब क्वालिटी को सुधारना। एनलार्जमेंट मतलब क्वांटिटी बढ़ाना, एनरिचमेंट मतलब जो है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये जॉब एनरिचमेंट एक बहुत बड़ा टूल है वर्कर के मोटिवेशन लेवल को हाई करने का। क्यों? क्योंकि काम की उसकी क्वालिटी हाई होगी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी उसकी जो है बढ़ेगी। क्वालिटी कैसी बढ़ेगी वो हम देखेंगे धीरे धीरे। मतलब कि वर्कर जो है अपने काम में माहिर होता जाता है, माहिर होता, यानी कि उसको अब हायर एंड, उसी काम में हायर एंड वर्क चाहिए होता है। कैसे चाहिए होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक, जैसे आपने कई बार जो है क्लास टीचर्स को, या जो है खास तौर पे अगर आप नर्सिंग में देखे होंगे, नर्सेस में क्या होता है, ये सभी नर्सेस के साथ नहीं होता है, कुछ एकाध जो बहुत ही अच्छे नर्स होते हैं उनके क्या होता है, शुरुआत में जब वो जो है मान लीजिए कोई मटर्निटी वार्ड या कोई जो है ज्वाइन करते हैं हॉस्पिटल में, कोई ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में तो वो नर्सिंग का काम करते हैं। ठीक है, जब उसका साथ साथ अलग अलग कई साल बीत जाते हैं, 10 साल, 12, 15, 20 साल बीत जाते हैं, तो आपने सुना होगा कई बार कि नर्स का जो है हाथ इतना स्किल्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है डॉक्टर को इतना असिस्ट किया है, हेल्प किया है डिलीवरी की टाइम, बच्चे की रख रखाव के टाइम, और सारी चीज़ों का जो है इतना ज़्यादा, इतने हाई लेवल में अनुभव ले लिया है कि जब 20-25 साल बाद जब एक नया डॉक्टर आता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नर्स है, जो पुरानी एकदम मंझे हुए नर्स है, उनका जो है ज्ञान, उनका नॉलेज, उसको पेशेंट को हैंडल करने का जो है तरीका जो है डॉक्टर से भी कई बार बढ़िया पाया गया है। मैं फिर से कहूंगा ये हर नर्स के साथ नहीं होता है, ये कुछ चुनिंदा बहुत ही ज्यादा हाईली एनरिच्ड नर्स के साथ ही ऐसा होता है। तो ये तभी संभव है जब जो नर्स को फ्रीडम दे दिया गया हो और उसको एक लिमिटेड काम दिया गया हो, और उस काम में वो फिर इतना बढ़िया हो जाता है कि जो है वो हायर लेवल वर्क, अपना काम से ज्यादा काम भी करने लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि भी डिलीवरी के टाइम पे या गायनोकोलॉजी वार्ड में उनको नर्सेस को देख के ही समझ में आ जाता है कि इस पेशेंट की क्या स्थिति है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये कई बार ऐसा जो है अनुभव पाया गया। तो इसी को बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट, मतलब अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो जाना, इतनी गहराई तक चले जाना कि भाई अब आप एक एक्सपर्ट बन जाते हो उसी एरिया में। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं जॉब एनरिचमेंट के कुछ फायदे क्या क्या हैं। तो उसका पहला फायदा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेट करता है, मोटिवेट हो जाता है कि भाई मुझे और ज्यादा गहराई में काम को करने का मौका मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाती है, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क भी बहुत हो जाता है, और उसको ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर अब जो है, पहले जो मान लो डिसीजन पावर बहुत ही कम था, अब थोड़ा और उसमें विस्तार होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज जो एनरिचमेंट का होता है कि उसको ज्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, उसको ज्यादा पावर दे दिया जाता है और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब हुनरमंद होने लगा, वो एक एक्सपर्ट की तरफ बढ़ने लगा, एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ने लगा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, अथॉरिटी और पावर मिलने से उनका जो है वर्कर का जो है इन्वॉल्वमेंट काम में, जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब काम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, काम में जो अपने घुसने लगेगा वर्कर, अपने काम को ही सब कुछ समझने लगेगा, तो उसका जाहिर सी बात है एब्सेंटिज्म, छुट्टी मारने की आदत वो भी कम होती है, या काम को छोड़ देना, मतलब सडनली नौकरी छोड़ देना, ऐसी हरकतें जल्दी ऐसे वर्कर्स नहीं करते हैं। जो तीसरा जो एडवांटेज होता है जॉब एनरिचमेंट का, वो है कि जो वर्कर है, जैसे जैसे उसका काम रिच होता जाएगा, एनरिचमेंट बढ़ता जाएगा, उसकी लॉयल्टी भी बढ़ती जाएगी और उसकी स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब एक बहुत ज्यादा हुनरमंद वर्कर, या जो बोले रिच, उनका काम होने लगा है। पर जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ अगर एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं।
इसका पहला डिसएडवांटेज जो देखने में आया है कि सुपीरियर्स को कई बार ये फील हो सकता है कि चूंकि वर्कर जूनियर लेवल पर है और वो ज़्यादा उसको अब वो हुनरमंद होता जा रहा तो उसको जो है थोड़ा पावर एक्स्ट्रा मिलता जा रहा, जवाबदारी मिलती जा रही है, तो कई बार जो है सुपीरियर्स को ये फील होता है कि कहीं हमारा पावर जो है वर्कर ना ले ले रहा हो, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज जॉब एनरिचमेंट का हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे ईगो प्रॉब्लम आएगा, तो फिर वर्कर के साथ जो है बदतमीजी शुरू हो जाएगी, वर्कर को जो है बोलेगा कि मैं सीनियर हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो वगैरह वगैरह, वर्कर बोलेगा मुझे पता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी हो। तो इस टाइप की जो है बहसबाजी आर्ग्यूमेंट्स यानी कि ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये एनरिचमेंट का पहला डिसएडवांटेज है। हमेशा नहीं होता लेकिन हो सकता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है कि भाई एम्प्लॉयज के पास, मान लो वर्कर के पास अगर सफिशिएंट नॉलेज ना हुआ हो, जॉब एनरिच तो हुआ हो पर जो है जो बैकग्राउंड नॉलेज बढ़िया अगर ना हो तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला सिचुएशन हो सकता है। काम तो रिच हो गया है, काम की क्वालिटी बढ़ गई है, लेकिन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसमें अगर ना हो तो वो गलत डिसीजन ले सकता है और गलत डिसीजन लेने की वजह से उसके काम पे इसका सीधा नेगेटिव असर पड़ने के बहुत हाई लेवल चांसेस है। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। जो तीसरा डिसएडवांटेज जो होता है कि भाई अगर ज्यादा लोड दे दिया गया है, ज्यादा पावर दे दिया गया है, तो कईयों केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी आ गई है, ज्यादा गहराई से काम जो है में रिजल्ट देने की जिम्मेदारी आ गई है। तो इसका जो है साइकोलॉजिकली जो वर्कर जो पर जो है बहुत ज्यादा दबाव जो है बना सकता है। जो चौथा कारण है, जो चौथा जो एक डिसएडवांटेज है वो है कि वर्कर जो है अपने आप से डिससेटिस्फाइड होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है वो पूरी तरीके से सॉल्व ना करता हो, आखिरकार उसने सिर्फ अनुभव ही लिया है, पूरी तरह से ट्रेनिंग या बाकी चीजें उसने नहीं ली है, सिर्फ प्रैक्टिकली एक्सपोजर लिया है। हालांकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज होती है लेकिन सब कुछ नहीं होता, तो सब कुछ के लिए उसको फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फिर उस तरह की ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं लेकिन वो सब तो उसका हुआ नहीं है। सिर्फ जॉब एनरिच कर देने से सारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वर्कर कई बार डिससेटिस्फाइड फील कर सकता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो मुझे एक लेवल से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, मुझे ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज रहा है, मैं मुझे जो है अलग सा एजुकेशन नहीं करवा रहा है, अगर करवाता तो मैं डॉक्टर से भी आगे निकल जाता वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जब होने लगता है तो फिर इंटरनली जो है वर्कर अपने आप से जो है असंतुष्ट होता है या फिर या अपने जो संस्था से जो थोड़ा असंतुष्ट महसूस करने लग सकता है। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जॉब एनरिचमेंट के। अब कई बार जो है सवाल एग्जाम में या जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल लो या आपके जो है कॉलेज के एग्जाम में ये आता है कि भाई जॉब एनलार्जमेंट में और एनरिचमेंट में कुछ डिफरेंसेस बताएं। तो चलिए मैं आपको, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि एनरिचमेंट में और एनलार्जमेंट दोनों में क्या जो है मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क है। अब हम देखते हैं कि भाई अगर कंपेयर किया जाए तो जॉब एनलार्जमेंट में और एनरिचमेंट में कैसे फर्क हो सकता है। एक तो जो है पहला जो फर्क होगा वो मीनिंग में ही है। एनलार्जमेंट मतलब काम को क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाना, एनरिचमेंट का मतलब होता है गहराई में जाना यानी कि और ज्यादा जो हुनरमंद होते जाना, ये होता है मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस होता है वह है कंसेप्ट पॉइंट से डिफरेंस होता है। कंसेप्ट पॉइंट से दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि भाई जो जॉब एनलार्जमेंट है वो क्वांटिटेटिवली काम बढ़ जाता है। जैसे मान लो मैंने बताया कि पहले जो है एक क्लासरूम का अगर टीचर है तो एक क्लासरूम का जो है जवाबदारी था, अब दो का जवाबदारी आ जाएगा या तीन का जवाबदारी आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर अगर आप नर्स की बात करें तो पहले 10 पेशेंट का ख्याल रखती थी, अब 20 पेशेंट का रखेगी या 30 पेशेंट का ख्याल रखेगी। ये हो गया जो है जॉब एनलार्जमेंट का कंसेप्ट। जबकि जॉब एनरिचमेंट का, जो कि काफी हद तक जो है मीनिंग से रिलेटेड है, दूसरा जॉब एनरिचमेंट का उसी कंपैरिजन में देखा जाए तो वो क्वांटिटेटिवली नहीं बढ़ता, क्वालिटेटिवली बढ़ता है, यानी कि क्वालिटी बढ़ जाती है काम की, दैट इज रेंज ऑफ एक्टिविटीज तो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी क्वांट जो है खासियत जो 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 बोले जो फाइनर एस्पेक्ट्स जो है उसमें
सुधार आ जाता, बहुत गहराई तक जाने लगता है। तो यह कंसेप्ट पॉइंट से डिफरेंस। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट से अगर हम डिफरेंस देखें तो जो है जॉब एनलार्जमेंट जो है बोर्डम को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? बाय परफॉर्मिंग अ रिडंडेंट टास्क, मतलब रिडंडेंट मतलब जो काम खत्म हो चुका उसी काम को करके जो है बोर्डम को खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है हम अगर जो जॉब एनरिचमेंट की बात करें, ठीक है, तो एनरिचमेंट में जॉब जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसको नया चीज उसी लाइन में नया चीज सीखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसके लिए वो काम चैलेंजिंग बन जाता है और बहुत डीपर लर्निंग उसको होने लगता है, मतलब स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लर्निंग करता है। वैसे ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप एनलार्जमेंट का देखें तो स्किल से नहीं, बिहेवियरल पॉइंट से, क्योंकि क्वांटिटी आप ज्यादा लोगों को डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो काम पहले उसको बेकार लगता था अब वो काम जो है वो हुनरमंद तरीके से कर देता है, तो वो एनलार्जमेंट वाला चीज हो गया। एनरिचमेंट में जो है वो नया नया चैलेंजेस देखता है, नया नए बारीकियों में घुसता चला जाता है। ये दोनों का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क हो गया। अब आउटकम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कि अगर आप रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनलार्जमेंट पे क्या होता है, वर्कर खुश भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मतलब आउटकम जो है इसका एनलार्जमेंट का, अगर किसी वर्कर का जो है जॉब में एनलार्जमेंट हुआ, ठीक है, काम बढ़ाया गया, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, वर्कर उससे खुश भी हो सकता है नहीं भी खुश हो सकता है। खुश कब होगा? अगर थोड़ा काम है थोड़ा सा बढ़ाया गया है तो वर्कर खुश हो सकता है ये सोच के कि चलो अब मेरे पास काम है मुझे कंपनी से शायद ना निकाले, इसलिए वो खुश हो सकता है। लेकिन खुश नहीं कब होगा? अगर मान लो बहुत ज्यादा काम बढ़ गया तो वो खुश ना भी हो सकता है। लेकिन इसके जो है उलट अगर एनरिचमेंट की बात की जाए तो वर्कर उसमें 99% खुश ही होता है। क्यों खुश होता है? ज्यादातर केस में या लगभग सभी केस में खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि काम की जो है ये बढ़ती है, क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। हर वर्कर यही चाहता है कि भाई उसकी काम उसको जो है एकदम परफेक्ट जो है कारीगर बने, परफेक्ट होशियार बन जाए, एकदम इतना स्किल उसका डेवलप हो जाए कि जो आगे चल के और बेटर अपॉर्चुनिटी उसको मिल सके, तो उसका काम रिच होता है। हर वर्कर यही चाहेगा कि उसका उसका हुनर जो है उसका स्किल्स बढ़ता चले जाए। वो तभी हो सकता है जब उसका रोल एनरिच होगा, ना कि एनलार्ज होगा, ठीक है। अब एडिशनल स्किल्स की बात करें तो एनलार्जमेंट में एडिशनल स्किल्स की कोई खास जरूरत नहीं होती है। वेरास एनरिचमेंट की बात करें तो एनरिचमेंट में विशेष रूप से खास एडिशनल स्किल्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि अब उसे रिच काम करना पड़ेगा, यानी गहराई में जाना पड़ेगा, उसके लिए और बहुत सारे स्किल्स, चाहे टेक्निकल हो बिहेवियरल हो, ज्यादातर टेक्निकल ही होता है, उसको जानने की जरूरत होती है। अगर एक्सपेंशन की बात करें तो फिर वही बात जो मैंने समझाया कि एनलार्जमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल है, मतलब काम चौड़ा होता जाना है और जो है वो हॉरिजॉन्टली काम एक्सपैंड होता है, ठीक है। और एनरिचमेंट में, जॉब एनरिचमेंट में वो वर्टिकली जो है जॉब एनरिच होता है, वर्टिकली मतलब वो गहराई में चला जाता है, वर्कर काम की बारीकी में चला जाता है। और आखिर में अगर सुपरविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मतलब देखने में कोई वर्कर उसको सुपरवाइज कर रहा हो, मतलब कोई उसका सीनियर सुपरवाइजर अगर उसके ऊपर कोई है, ठीक है, तो एनलार्जमेंट में सुपरविजन की जरूरत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वर्कर का काम अभी बढ़ गया है, तो अब कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा उसके ऊपर मॉनिटरिंग ज्यादा होगी, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, उसका जो सीनियर होगा देखेगा ठीक से कर रहा है कि नहीं, सारे काम जो दिए गए हैं जो काम नए दिए गए हैं वो सब कर रहा है कि नहीं, यानी कि सुपरविजन उस पर बढ़ जाता है। जबकि जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है कि उस पर सुपरविजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह उसका काम रिच हो गया है, अब उस पर फ्रीडम दे दिया जाता है कि भाई अपनी मर्जी से ही थोड़ा बहुत कर लो या देख लो, तुम खुद ही संभाल लो। क्यों? क्योंकि तुम अब फाइनर वर्कर बन गए हो, तुम अब स्किल्ड वर्कर बन गए हो, तो तुम अब अपने आप को खुद ही कंट्रोल करो और खुद ही देखो कि तुम इस काम को कर सकते हो या नहीं या किस तरीके से करोगे। तो इसका बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि एनलार्जमेंट में सुपरविजन काफी बढ़ जाता है, ठीक है, और एनरिचमेंट में सुपरविजन कंपैरेटिवली कम होता जाता है, ठीक है। तो ये है जो है दोनों में डिफरेंसेस। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।